हेलो फ्रेंड्स, मल्टी टैलेंट वीडियो में आपका स्वागत है। फोटोशॉप के इसी ट्यूटोरियल में आज हम बात करेंगे आपके चार पांच ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो क्लियर हो जाएंगी पूरे ट्यूटोरियल में। और अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इतना कुछ समझ में आएगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि आप कैसी भी इमेज हो उसको आराम से रीटच कर सकते हो, बहुत ही यूनिक। पहले ये प्रोसेस ऑलरेडी मैं एक बार बता चुका हूँ, लेकिन वो प्रोसेस सिर्फ एक तरह से देखा जाए तो 40% ही था। अब उसमें 60% और हमने ऐड कर दिया है, तो उसको और बेटर आप बना सकते हो। ये इमेज है, अब इसमें देखिए कि पिंपल्स हैं, ठीक है, इसको रीटच करेंगे। ये यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है, ये डार्क एरिया है, ये डार्क एरिया है, तो इसको भी हम आराम से इजीली करेंगे, ठीक है, रिटच में ले आएंगे। स्टेप बाय स्टेप अगर आप पूरा ट्यूटोरियल देखेंगे आपको बेटर समझ में आएगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इमेज रिटच का इसका नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक तो देखिए स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल आ रहा है, ये ऑटोमेटिक जितने भी स्पॉट होते हैं उनको रिमूव कर देगा ऐसे, ठीक है। और दूसरे फोटोशॉप पे जैसे CS3 में देखेंगे तो यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल आ रहा है, ये ओल्ट के साथ में काम करेगा, मतलब जो कलर आप ओल्ट के साथ में यहाँ पे प्रेस करोगे वही कलर ये उसके अंदर फिल कर देगा। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ये एडवांस में थोड़ा सा अच्छा दे दिया, क्लिक करोगे अपने आप रिमूव कर देगा, ठीक है। तो मोटे मोटे जितने भी स्पॉट हैं, पिंपल्स हैं, स्पॉट है, जो भी हैं, उनको आप ऐसे इजीली धीरे धीरे रिमूव कर देना ऐसे, जिससे कि आपका रिटचिंग और भी बेटर हो जाए, ठीक है। इस टाइप से आप रिटच कर सकते हो, ठीक है। हल्का हल्का ये सारा हो गया। अब देखिए दूसरा हमें क्या करना है, अब मैं क्या प्रेस करूंगा, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट और ई प्रेस करूंगा, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट और ई, तो ये क्या करेगा कि इन दोनों का इमेज यहां पे क्रिएट कर देगा, यानी कि रीटच किया हुआ दोनों को मर्ज करके एक लेयर बना देगा, ठीक है। अब इसको हम करेंगे कोई भी नेम दे देते हैं, जो आप रीटच दे दीजिए, नेक्स्ट लेवल दे दीजिए आप, ठीक है, नेक्स्ट लेवल रिटच, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अब ये नॉर्मल जो ब्लेंडिंग मोड का ऑप्शन है यहां पे जाके और इसको कर देते हैं विविड लाइट, ठीक है, क्लियर यहां तक। विविड लाइट करने के बाद में देखिए आपको दो चीजें नजर आ रही कि ये पार्ट जो आपका है ये पूरा पार्ट आपका लाइट एरिया है और ये पार्ट इधर है ये डार्क एरिया है, ये नजर आ रहा आपको, तो इससे इमेज की फ्रीक्वेंसी समझ में आ जाएगी। अब इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाके और इन्वर्ट कर देंगे इसको, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल आई भी आप प्रेस कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करूंगा, फिल्टर में जाना है मुझे, अदर पे जाना है, हाई पास पे क्लिक कर दिया मैंने। हाई पास पे क्लिक करने के बाद में देखिए इमेज का जो टचिंग का जो ओपेसिटी वो दिखाएगा आपको कितना रेड्यूस लेना है आपको, कि अगर आपके पिंपल्स कितने रिमूव हो गए हैं यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे खुद को मैन्युअली चेक करना है यहाँ पे कि आपको कितने पार्ट में चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये भी ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया होगा शायद, हाँ ये ज़्यादा हो गया, 20 के लमसम इसको रख लेते हैं, एक बार 20 देख लेते हैं कि 20 में भी ठीक है, और ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा और कम कर सकते हो आप, 10 पॉइंट तक 11 पॉइंट तक भी आप इसको ले सकते हो, ठीक है, ये ठीक है, ओके किया।
अब क्या करेंगे, फिल्टर में जाएंगे, ब्लर पे, गेशियन ब्लर। देखिए ये प्रोसेस तो आप समझ गए, इसके बाद का प्रोसेस है वो जो एडवांस जो मैं बता रहा हूं, इसके बाद का प्रोसेस है, ठीक है। इस पे क्या करेंगे, थोड़ा सा जितना अपने को इमेज की क्वालिटी चाहिए, ठीक है, ये देखो ओके कर दिया, यहां तक क्लियर। अब क्या करेंगे, इस इमेज को हाई पास कर देते हैं, ओल्ट प्रेस करूंगा यहां पे, ठीक है, ये आ गया। ब्रश टूल लिया मैंने और ब्रश टूल से जितना जितना पार्ट मुझे रिटच करना है उतने उतने पार्ट पे मैं, अब इसके आप एक्शन भी क्रिएट कर सकते हो, मैं हमेशा बताता हूं, तो आप एक्शन भी क्रिएट कर लोगे। एक्शन बनाने का तरीका मैंने आपको लोगों को बता रखा है कि आप आराम से इसका एक्शन क्रिएट कर लोगे। अब मैन्युअली आपको धीरे धीरे ऐसे करना है, ठीक है, या आराम से अब देखिए वापस से वही ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल ई, न्यू लेयर बन गई यहां पे, देखना एक नई लेयर बन गई। अब मैं क्या करूंगा, इसको फिल्टर में जाऊंगा, कैमरा रो पे आया मैं, कैमरा रो के पे आने के बाद में मुझे क्या करना है, तो क्लियरिटी दे देनी है थोड़ी सी इसमें, देखो इमेज में क्लियरिटी है, थोड़ा सा टेक्सचर ऐड कर देंगे, ठीक है। बेसिक पे क्लिक किया, अब डिटेल्स पे आ जाते हैं, थोड़ा सा इसमें शार्पनेस बढ़ा देंगे, नॉइज रेड्यूस बढ़ा देंगे, कलर नॉइज रेड्यूस कर देंगे, ठीक है, ओके कर दिया। इतना काम ये करना है, ठीक है, क्लियर। अब देखना इस इमेज पे मुझे क्या करना है, ये जो डार्क एरिया है इसको मुझे लाइट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एडजस्टमेंट लेयर पे जाऊंगा, कर्व पे क्लिक करूंगा और कर्व को मैंने लाइट कर दिया यहां पे, ठीक है, इतना लाइट कर दिया, कैंसिल। अब ये लाइट तो कर दिया, अब मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ में आई प्रेस करूंगा और इस बटन पे यहां पे क्लिक करके कंट्रोल आई कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पे ब्रश टूल ले लेनी है और ब्रश टूल लेनी है हार्ड राउंड, ठीक है। अब जो एरिया लाइट है, सॉरी डार्क है, उस डार्क एरिया पे ऐसे ऐसे में क्लिक कर दूंगा, ये बहुत काम की चीज है, इसको अगर आपने यूज करना सीख गए तो आप किसी भी तरह की इमेज आप एडिट कर सकते हो। कर्व पे वापस जाऊंगा, अब मैं ले लेता हूं डार्क कर देता हूं, ठीक है। इसको आप रीनेम भी कर सकते हो, डोज दे सकते हो और इसको बर्न कर सकते हो, ये कलर बर्न हो गया, जल गया चेहरा, और ये डोज कर सकते हो, ठीक है। अब इस पे वही कंट्रोल के साथ में आई और यहां पे क्लिक, ठीक है। अब यहां पे ये लाइट एरिया है, ऐसे क्लिक किया, ऐसे किया, ऐसे किया, यहां पे, यहां पे, ब्रश की साइज आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हो। ये अब आपको लग रहा होगा ये क्या कर दिया सर ने, ये इस टाइप से क्या कर दिया। अब देखिए मजे की चीज अब है, अब क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, कर्व पे, प्रॉपर्टी विंडो में जाके और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद में ये फेदर का ऑप्शन आ रहा है, फेदर किया, फेदर करते ये एरिया देखिए फेदर हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं फेदर को, ठीक है, कैंसिल। इस पे आ गए प्रॉपर्टीज वापस से और फेदर कर दिया, ठीक है, अब कैंसिल। अब देखिए दोनों को मैंने ग्रुप कर दिया, कंट्रोल जी, अब देखना आफ्टर बिफोर देखना आप,
फर्क आ रहा है? यानी कि ये लाइट और ये डार्क, थोड़ा सा इसमें देखो कितना फर्क आया, मैच हो गया इसके साथ में ये, ठीक है। अब मुझे इसके लिप्स का कलर करना है, तो लिप्स के लिए क्या करना है देखिए। अब हम क्या करेंगे कि ये ग्रुप बन गया, ग्रुप बनने के बाद में इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स कि एक सॉलिड कलर लेंगे। सॉलिड कलर लेना कैसा है? रेड लेना है मुझे थोड़ा सा, क्योंकि लिप्स का कलर हमें चेंज करना है। रेड लिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद में इसको हम कर देते हैं ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मोड में जाके और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और ओपेसिटी थोड़ी सी इसकी कम कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो पार्ट है इस पर क्लिक करना है, छोटा सा पार्ट है ना ये वाइट वाला, इस पर जाके एडजस्टमेंट में जाके और इन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब थोड़ा जूम करके मुझे मैन्युअली ब्रश टूल से वर्क करना है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही यूनिक है, और आप इससे इतनी अच्छी चीज़ें बनाने लग जाओगे कि मल्टी टैलेंट वीडियो को आप याद रखोगे, ये मेरा मानना है। अगर रीटच की ऐसा बहुत सा काम है, और जो बहुत यूनिक यूनिक काम आप कर सकते हो इससे, ठीक है। एक्सप्रेस किया, अगर ज़्यादा ही कुछ ओवर हो रहा है तो एक्सप्रेस करके और वापस से रिड्यूस कर सकते हो। ये थोड़ा सा डिटेलिंग का काम है। अब देखना यहाँ पे मजे की चीज, ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है, इसकी ओपेसिटी वापस से 100 कर दूंगा, इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा जूम जूम कर लेते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। अब क्या करेंगे, एफएक्स पे जाएंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे, और अंडरलाइनिंग का जो लेयर है, करंट लेयर और अंडरलाइनिंग, इसको ओल्ट, इसको थोड़ा सा यहां पे ले आएंगे, थोड़ा सा देखना। यहां पे लाने के बाद में देखना यहां पे टेक्सचर नजर आ रहा है, तो ओल्ट ओल्ट के साथ में इसको एक पार्ट को अलग कर देंगे। ये देखो इसका जो टेक्सचर दिख रहा है ना पीछे का, और इसको भी ले आएंगे डार्क एरिया को, तो देखना डार्क एरिया भी जितना डार्क एरिया यहां है, ये लाइट है ये डार्क है, डार्क एरिया दिखने लग गया। डार्क एरिया को भी आपको क्या करना है, ओल्ट के साथ में पकड़ के थोड़ा सा लाइट कर देना, क्लियर, ठीक है, ओके कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, वही विंडो में जाके प्रॉपर्टीज और फेदर थोड़ा सा कर देना इसमें, जितना फेदर आपको लगे कि ये बेटर फेदर है इसमें, ठीक है, जिससे कि आपकी लिप्स ऐसे पता ही नहीं चलेगा। ओके किया, और अब ओपीसीटी को थोड़ा सा कम कर दो, जितना आपको लगे कि ये बेटर है। ये देखो ये अच्छी लग रही है, ठीक है। अब ये पूरी इमेज बन गई, थोड़ी सी ओपीसीटी और कम कर सकते हो आप, ठीक है। शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट ई प्रेस किया, ठीक है, लेयर बन गई। अब देखो यहां से यहां तक इसको कंट्रोल जी कर लेते हैं, आफ्टर बिफोर देखना आप, ये आफ्टर बिफोर, ये इमेज आपकी ऐसी थी और इसको आपने ऐसा बना दिया, ऐसी थी और इसको आपने इस टाइप से बना दिया। तो ये सब चीज़ें सिर्फ हल्की हल्की टेक्निक से ये आ जाएंगी। और मल्टी टैलेंट वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।